Hey people, welcome or welcome back to my channel. This is Chaya Chauhan. So I am here to help you in your journey how to become cabin crew. So cabin crew, to become a cabin crew you need passion, and cabin crew is not just a job who is serving drinks above 35 or 40,000 feet. It's just an invite to be in a global family of aviation. So yeah, let's just start. And you know, to become cabin crew you must have an idea how to become cabin crew, because if you don't have idea you will just be wondering ki ab kya karna, ab kya karna, ab kya karna. Kyunki mere time pe bhi mere sath aisa ho raha tha ki main kya kya cheeze prepare karun, kya na karun, kya kaise cheezon ko collect karun, mujhe bhi nahi samajh mein aa raha tha. To abhi main jaise aapko help karungi, main aapko ek ek point clear kar dungi taki aapke dimag mein ek shortlisted idea rahega ki ab ye karna hai, ye karna hai, ye karna hai, ab aap interview ke liye ja sakte ho. Theek hai, to ye kuch points jo hone wale hain maine yahan pe note down kar rakha hai apne kuch points ko. So I will be sharing all those points की क्या क्या है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इंक्लूड किया है कि आपको कैबिन क्रू बनने के लिए आपको किस पेज पर जाना है, आपको कहाँ पर फॉर्म फिल करना है. सो नंबर वन पॉइंट इज दिस. जैसे मान लो आपको बनना है कैबिन क्रू एयर इंडिया एक्सप्रेस का, तो आपको सबसे पहले गूगल में डालना होगा एयर इंडिया एक्सप्रेस करियर. ओनली जस्ट राइट करियर, आप एयरलाइन के नाम के साथ करियर डाल दो, आपको वो पेज खुल के तुरंत आ जाएगा. आप इस लिंक पे क्लिक करो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा इफ देयर इज वैकेंसी और नॉट. और वैकेंसी है तो वो कौन कौन से स्टेट में जाकर के इंटरव्यू लेने वाले, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी वहीं से. ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th 10th 11th 12th या फिर आप ग्रेजुएट हो लेकिन आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो, अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है. सो यस, सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर जाके फॉर्म भरना, और प्लीज कहीं इधर उधर की बातों में मत आना कि यहाँ फॉर्म फिल कर दो या फिर इस इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कुछ भी नहीं. आप खुद से प्रिपेयर करो एंड आई मेक यू श्योर कि आप जरूर सिलेक्ट होगे. ठीक है, तो सबसे पहला तो मैंने जो बताया कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना. नंबर टू, दैट इज योर BMI, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपनी यूज एयरलाइन यूज टू चेक दैट वेरी थिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू. तो सबसे पहले आप तो ये चेक करो कि आप BMI में उनके लाइक करते हो या नहीं. मैंने देखा डोमेस्टिक एयरलाइन में आपको मिनिमम जो हाइट आपकी होनी चाहिए दैट इज 155 सेंटीमीटर, और अगर उससे ज्यादा है तो वेरी गुड. वैसे जो जिस कंपनी में मैं हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस में, उसमें हाइट चाहिए होती है 157 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर आपकी हाइट जैसे 1 या 2 सेंटीमीटर कम है तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो. एक्सरसाइज का भी वीडियो मैं आपको जरूर ला के बताऊंगी कि अगर आपकी 1-2 सेंटीमीटर हाइट कम है आप कैसे बढ़ा सकते हो. ठीक है, और वेट तो आप अपना खुद मेंटेन कर सकते हो अगर नहीं है तो. ठीक है, और इसके लिए आपको BMI कैलकुलेट करनी पड़ेगी. आपका आप जैसे ही गूगल में डालते हो BMI कैलकुलेटर, वहां पे आपका आएगा हाइट वेट. आप हाइट डालो वेट डालो, आपको तुरंत चेक आंखों के आ जाएगा कि आपकी ये BMI है. एयरलाइन को जो BMI चाहिए होती है वो होती है 18-22 के बीच में, तो मेक श्योर कि आपकी BMI उसी बीच में ही लाई करती हो. सो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इनिशियल स्टेज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग टू बी अ कैबिन क्रू. एंड नंबर 3, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कम्युनिकेशन. आप आधे से ज्यादा एयरलाइन इंडस्ट्री में इसलिए सेलेक्ट होते हो क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल इज गुड देन यू विल गेट सेलेक्टेड विद टू थिंग्स, कम्युनिकेशन नॉट जस्ट विद द कम्युनिकेशन विद अ गुड स्माइल. ओके, सो आपकी एक अच्छी स्माइल एंड गुड कम्युनिकेशन. गुड कम्युनिकेशन और स्माइल का एक कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि स्माइल ऑलवेज शोज रिफ्लेक्ट दैट यू हैव कॉन्फिडेंट, दैट यू आर कॉन्फिडेंट. ओके, सो ऑलवेज हैव अ गुड स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू. नॉट जस्ट यू थिंक कि हाँ मैं उस दिन जाऊंगी तो मैं सबके सामने स्माइल करूंगी, सब कुछ करूंगी, ये दर्द होने लगेगा. ठीक है, तो इसलिए जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी आप शीशे में देख के अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करते हो, हमेशा स्माइल करके बात करो. और अगर आप उस स्टेज में हो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जिन भी लोगों से मिलते हो ऑलवेज स्माइल एंड टॉक, क्योंकि वो फिर आपके ना धीरे धीरे बिहेवियर में आ जाएगा कि नहीं हाँ मुझे ऐसे ही बात करनी है, तो आप उस दिन पे ना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे, ऐसा नहीं लगेगा कि स्माइल करो तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो. ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए अगर सबसे ज्यादा प्राइमरी लैंग्वेज एविएशन की इंग्लिश है, सो इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट. और इस चीज के लिए मैं बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ नहीं कर सकते हो तो प्लीज ऐसी कोई कोचिंग या ऐसा कोई सेंटर जो आपको सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश की ट्रेनिंग देता हो, आप प्लीज उसमें जाओ और प्रिपेयर करो. हालांकि मैं ये बोलूंगी साथ साथ में कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको कैबिन क्रू बनने की ट्रेनिंग देता है तो प्लीज मत जाओ, दैट इज वेस्ट ऑफ मनी. यू विल पे योर 1 लाख 2 लाख वट एवर दे विल टेक, यू विल पे एंड दैट विल बी ऑफ नो यूज, वेस्ट ऑफ मनी. सो आई विल से कि अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कोई ऐसा इंग्लिश कोचिंग सेंटर जैसा भी हो आप वो अपने आसपास जाओ, अदरवाइज खुद से प्रिपेयर करो, शीशे में देखो
इंग्लिश में बोलो आसपास के लोगों, अगर इफ़ देर आर पीपल हु कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश देन प्लीज़ टॉक टू देम इन इंग्लिश, अदरवाइज जस्ट प्रिपेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, जस्ट रीड इंग्लिश content, watch English movies because that will help you to like listen English and understand that, okay? So अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो you will feel better. और cabin crew जो लोग बनते हैं, मैं बार बार कहती हूँ cabin crew सिर्फ job के लिए आप अपने आप को नहीं prepare करते हो, you make yourself even much better version of your, okay, yourself. तो अगर आप cabin crew के लिए prepare करते हो तो आप खुद का एक better version बनाते हो. आई थिंक ये सारे पॉइंट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज टैटू. प्लीज़ अगर आप अभी तक अगर आपने कोई टैटू करवा रखा है तो आप प्लीज़ उसको हटा लो, और अगर नहीं करवाया तो प्लीज़ करवाना भी मत. कोई भी विजिबल एरिया जैसे कि आपका हैंड, नेक, नी के नीचे आपका जो लेग है, अब वहाँ पे कोई भी टैटू मत करवाओ प्लीज़, क्योंकि टैटूज आर नॉट अलाउड. ओके, एंड ड्रेस वेल. और ड्रेस वेल से मतलब है मेरा कि आप उन चीज़ों को शॉपिंग करो जो चीज़ें कंपनी ने दे रखी हैं. जब आप उनका पेज खोलते हो, करियर पेज, अब आप फिल करते हो उनका पेज, तो उसमें लिख के आ जाता है पूरा कि आपको कैसे कैसे ड्रेस, यूनिफॉर्म क्या पहन के आनी है. वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली जो वुमेन्स के लिए होता है वो होता है आपका स्कर्ट, गर्ल्स के लिए लाइक स्कर्ट, शर्ट, ब्लेजर, योर स्टॉकिंग्स एंड योर शूज़. आप इतना पहन के जाते हो दैट्स गुड. और अगर आप स्कर्ट पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो, यू कैन वेयर ट्राउज़र ऑल्सो, बट ट्राउज़र के साथ कैरी करो स्कर्ट. अगर वो बोलते हैं स्कर्ट कैरी करने को तो प्लीज़ आप स्कर्ट पहन लो, वहाँ पे चेंज कर लो. ठीक है, तो आप ये यूनिफॉर्म ज़रूर से ज़रूर अरेंज करके रखो अच्छे से, उनको अच्छी फिटिंग प्लीज़. उसमें ये नहीं कि ये कर लेंगे चल जाएगा, वो कर लेंगे चल जाएगा, क्योंकि आप जितना प्रॉपर दिखते हो, आप जितना प्रॉपर बोलते हो, वही सब रीज़न होते हैं आपको सेलेक्ट करवाने के, अदरवाइज आप सेलेक्ट नहीं होगे. मैं बार बार कह रही हूँ इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखो. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ बी हाइजीनिक. आप उस दिन इंटरव्यू पर जा रहे हो, प्लीज़ ब्रश योर टीथ वेल. आप अपने नेल्स का लेंथ देखो कि बहुत ज़्यादा बड़े नेल्स तो नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े नेल्स रख के जा रहे हो. पुट अ गुड नेल पेंट. और अगर कन्फ्यूजन है कैसा मेकअप करना, क्या मेकअप करना, वो सारे वीडियोज़ में लेके आऊँगी और आपको बताऊँगी कैसा आप बेसिक मेकअप कर सकते हो. और बहुत ज़्यादा पैसे मत खर्च करना मेकअप वगैरह पे, क्योंकि मैंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था. मेरे को मेकअप करना उतना, सच बताऊँ तो उतना नहीं आता था कि बेस पे क्या लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएंगी. तो आप ज़्यादा मेकअप भी पैसे मत खर्च करो, बेसिक सा मेकअप करके जाओ. और दूसरी बात, लोगों के दिमाग में होता है कि मैं जितना फेयर दिखूंगी उतना सेलेक्ट हो जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता. आप कैबिन क्रू बनने के लिए आपको केवल क्लीन स्किन चाहिए होती है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको फेयर स्किन चाहिए होती है. क्लीन यानी कि देयर शुड बी नो पिंपल्स एंड ऑल, मार्क्स नहीं होने चाहिए, पिंपल्स नहीं होने चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आपको फेयर होना चाहिए. वट एवर योर स्किन टोन इज दैट्स वेरी गुड. आपका जो भी स्किन टोन है अच्छा है, बस आप कोशिश ये करो कि आपका जो फेस हो वो मेकअप की वजह से और ज़्यादा अजीब ना दिखने लग जाए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सही फाउंडेशन ही लगाते तो मेकअप हमारा फेस को खराब कर देता है. तो आप मेकअप का चॉइस सही रखो, और आप जैसा भी आपका फेस का है, जो भी है, सब सही है, बस आपके फेस पे पिंपल वगैरह ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो. सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको कि आप दिमाग में रख सकते हो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रू. और आपका अगर और ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन करो, मेरे को बताओ कॉमेंट सेक्शन में, आई विल हेल्प यू. और जितना मेरे को लगेगा कि मेकअप से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड, और जो भी वीडियोज ड्रेस से रिलेटेड, आप कैसे ड्रेस कैरी कर सकते हो, आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन एवरीथिंग. सो आप हेयर कैसे बना सकते हो उस दिन, दैट योर बन शुड बी वेरी neat and clean, everything I will be telling you in my next further videos. And one more thing that's very important, ki aap अगर अभी तक आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो प्लीज़ उसके लिए अप्लाई कर दो. जब भी आपका इंटरव्यू आता है प्लीज़ जाओ देने के लिए. और हाँ, एक चीज़ और, कभी भी परेशान मत होना कि लाइक नहीं सेलेक्ट हुए तो परेशान हो जाओ कि अब क्या करेंगे. ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड. परेशान मत होना, फेस पे कभी मत आने देना कि तुम कभी नहीं सेलेक्ट हुए, नहीं हुए, बिकॉज एवरी नो विल मेक यू क्लोजर टू येस. ओके, तो आप कभी ना कभी आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे. सो कीप ट्राइंग, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिली हूँ जिन्होंने मेरे को बताया आई एम ट्राइंग दिस इंटरव्यू फॉर द 7th टाइम, फॉर द 12th टाइम, फॉर द 15th टाइम. सो आई हैव सीन पीपल लाइक दोज एंड दे गॉट सेलेक्टेड. सो हैव एन फेथ एंड हैव कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, यू विल गेट सेलेक्टेड. सो आई होप कि मैंने आपकी हेल्प की हो. और भी ऐसी हेल्पिंग वीडियोज़ मैं लेके आती रहूँगी. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.